राफेल फाइटर जेट दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। ये चीन के चेंगदू J-20 फाइटर जेट से कई मामलों में उम्दा है। राफेल के आगे चीन का चेंगदू J-20 का इंजन लो लेवल का है। लड़ाई के मामले में भी राफेल चेंगदू J-20 से कहीं ज्यादा बेहतर है। राफेल में हायर वेपन लोड, बैटरी हार्डर और लीथल मिसाइल पावर है। आइए दोनों विमानों की तुलना करके देखते हैं कि कौन किससे कितना बेहतर है। एशिया में भारतीय एयरफोर्स की धाक पहले से ही है। राफेल से जुड़ने के बाद इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। ये एयरक्राफ्ट भारत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक ऑल वेदर एक्सेस प्रदान करता है। चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर इसकी तैनाती से भारत का एयर डिफेंस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। भारतीय राफेल की तुलना चीन के चेंगदू J-20 और पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमानों से की जाती है, मगर ये दोनों ही राफेल के मुकाबले में थोड़ा कमतर मालूम होते हैं। राफेल और J-20 दोनों ही सिंगल सीटर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं। जहां चीनी J-20 का मेन रोल स्टील फाइटर है, वहीं राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। चीन J-20 का यूज दुश्मन पर नजर रखने के लिए करता है, वहीं दूसरी ओर राफेल को निगरानी के अलावा सॉर्टीज और अटैक में भी आसानी से यूज किया जा सकता है। राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, जो इसे चीनी J-20 पर थोड़ी बढ़त देता है। चीन का J-20 विमान राफेल के मुकाबले भारी है। राफेल जहां अधिकतम 24,500 किलो वजन कैरी कर सकता है, वहीं J-20 34,000 से लेकर 37,000 किलो वजन ले जा सकता है। राफेल की रेंज 3,700 किलोमीटर है, जो J-20 की रेंज से कहीं ज्यादा है। J-20 का बेसिक रेंज 1,200 किलोमीटर है, जिसे 2,700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही लड़ाकू विमान अपने साथ 4-4 मिसाइलें ले जा सकते हैं। दोनों की टॉप स्पीड भी लगभग एक जैसी है, यानी कि 2100 से लेकर 2130 किलोमीटर प्रति घंटा। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच होती है। इसकी ऊंचाई 4.45 मीटर और विंग स्पैन 12.88 से लेकर 13.50 मीटर के बीच है, जबकि राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। राफेल का विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। विमान छोटा होने से उसकी मैनूवरिंग में भी आसानी होती है। चीन के J-20 में इंटरनल कैनन लगा है। इसमें AESA रडार लगा हुआ है, जो ट्रैक सेंसर से लैस है। चीन का दावा है कि इसमें पैसिव इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिटेक्शन सिस्टम भी है, जिससे पायलट को 360 डिग्री कवरेज मिलती है। इस विमान से चीनी मिलिट्री सैटेलाइट्स और कई ड्रोन्स का डेटा एक्सेस किया जा सकता है। चीन इसमें PL-15 मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट कर चुका है। इस मिसाइल में जो रडार है, उसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके मुकाबले भारत का राफेल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी बिना टारगेट प्लेन को देखते ही उसे उड़ाया जा सकता है। राफेल में एक्टिव रडार सीकर लगा है, जिससे किसी भी मौसम में जेट ऑपरेट करने की सुविधा मिलती है। स्कैल्प मिसाइल या स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें भी किसी भी बंकर को आसानी से तबाह कर सकती है। इसकी रेंज लगभग 560 किलोमीटर होती है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। वहीं J-20 की बात करें तो पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर ये लड़ाकू विमान डेवलप किया है। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जो एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मार सकता है। चीन ने इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी हैं, जिसके बाद इसकी क्षमता बढ़ गई है। इसमें PF-15 मिसाइलें यूज होने लगी हैं, जिसमें इंफ्रारेड सिस्टम भी लगा है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है और ये सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक है। जब PF-15 मिसाइल इसमें जोड़ी गई थी, तो अमेरिका ने भी इसका विरोध किया था। राफेल में यूज होने वाली मिसाइल्स की रेंज इससे कम है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान केवल भारत के राफेल लड़ाकू विमानों से ही नहीं परेशान है, बल्कि उसकी चिंता मीटियोर माइका जैसे मिसाइलों से भी बड़ी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स वर्तमान में JF-17 फाइटर जेट पर ही निर्भर है। इसके अलावा उसके पास F-16 और मिराज फाइटर जेट्स हैं। ड्रैगन उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई ताकत को लेकर लगातार मजबूत करने में जुट गया है। चीन ने अपने भारत से लगे हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने में सक्षम विमानों से लेकर हमलावर ड्रोन विमान तक तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, चीन नए एयर बेसेस भी बना रहा है। चीन भारत से सटे अपने 13 एयर बेस को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। चीन के ये एयर बेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय इलाकों से सटे हुए हैं।